आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भारत बंद के समर्थन में अमरोहा बंद किया गया है। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा एफडीआई नीति, वालमार्ट फ्लिपकार्ट डील के विरोध में अमरोहा के सभी बाजार बंद रहेंगे। वहीं जागो व्यापारी जागो, एफडीआई भगाओ, खुदरा बाजार बजाओ, विदेशी कंपनी भारत में आ जाएंगी तो भारत देश की कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। बड़े बड़े माल जब खुल जाएंगे तो खुदरा दुकानदार तो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ऑनलाइन खरीदारी रहेगी तो दुकानदार बेकार हो जाएंगे। जी हाँ, समर्पित व्यापारियों में राधेश्याम गुप्ता, अशोक रस्तोगी, अनिल रूप टंडन, सुरेंद्र ढिल्लो, घनश्याम भार्गव, योगेंद्र शर्मा, संतोष लस्करी, प्रमोद गुप्ता, मुकेश रस्तोगी, खालिद सिद्दीकी, कामरान सिद्दीकी, धर्मऋषि के बत्रा, परवेज आरिफ, हरिओम शर्मा, राजेश कपूर, हरिओम अग्रवाल, कपूर कमल कपूर, पंडित रोहिता शर्मा, मनोज गोयल, प्रियदेव रस्तोगी, मनीष मल्होत्रा, हरिमोहन वर्मा, हिमांशु रस्तोगी, शवाब आलम आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। हम एफडीआई का विरोध करते हैं। जो केंद्र सरकार ने एफडीआई लागू कर रखी है, गार्ड नीति ने लागू कर रखी है, फ्लिपकार्ट द्वारा यानी कि ऑनलाइन खरीदारी पर पाबंदी लगाई जाए। अगर इसी तरीके से लोग खरीदारी करते रहे ऑनलाइन तो खुदरा व्यापारी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और उनका रोजगार बंद हो कगार पर आ जाएगा। लिहाजा हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं एफडीआई को खत्म करा जावे और खुदरा व्यापारी पर ध्यान दिया जावे ताकि वो अपना जीवन यापन सही कर सके। योगेश चंद सराफ, नगर अध्यक्ष हूँ मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का। और जो सरकार ने ये बार मार्च और ये जो जीएसटी लगाई है और बाहरी कंपनियों को लाने की यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका हम सब लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा जो दुकानदार है वो इसमें बहुत नुकसान में आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हम इसका यहाँ पुरजोर विरोध करते हैं और आज बंद का आह्वान कर रहे हैं।